हेलो एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लिपस्टिक का रिव्यू एंड दैट इज़ रेने फाइव 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 इन वन लिपस्टिक सो so गाइज ये जो लिपस्टिक है ये uh, मैंने देखा था ऑन फ्लिपकार्ट फर्स्ट एंड उसके बाद मैंने जब चेक किया सो दिस इज अ वेरी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट राइट नाउ गाइज फ्लिपकार्ट ऑन अमेजोन ऑन नाइका हर जगह पे ये इजीली अवेलेबल है एंड ऊपर से ये इतना ब्यूटीफुल है गाइज इसका पैकेजिंग इतना अच्छा लगा मुझे सो दैट्स वाई थॉट ऑफ ट्राइंग दिस आउट तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसका इन डेप्थ रिव्यू इसका क्लोज अप एंड इसका लिप्स वाचेस भी आपके साथ शेयर करूंगी तो आगे बढ़ने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब टू तो एंजॉय सच वीडियोस प्लीज़ कीव दिस वीडियो अ लाइक एंड शेयर इफ दिस इज रियली हेल्पफुल एंड यू एंजॉयट वाचिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड आई हैव रिसिव दिस लिपस्टिक इन अ पैकेजिंग लाइक दिस काइ आप देख सकते हो इसे एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर मुझे ये रिसीव हुआ था इस तरीके का एक पैकेजिंग में आता है एक आउटर, आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग में सो हियर इट्स रिटर्न रेने फैब फाइव फाइव इन वन लिपस्टिक અહીંયા પે કુછ ડિટેલ્સ મેન્શનડે હાઉ ટુ યુઝ ધીસ લિપસ્ટિક વો ઈધર મેન્શનડ હુઆ હે તો ગાઈસ યુ કેન પોઝ એન્ડ રીડ બાય યોર સેલ્ફ ધીસ ડિટેલ્સ ફોર ₹750 ઇસમે હમકો મિલ રહા હે 3 યર્સ ઓફ સેલ્ફ લાઇફ એન્ડ ધ નેટ weight હે 7.5 ગ્રામ્સ એન્ડ ધીસ ઇઝ અ મેડ ઇન ઇન્ડિયા પ્રોડક્ટ સો યુ કેન સી ગાઈસ યહાં પે કુછ ડિટેલ્સ મેન્શનડે સો ધીસ ઇઝ નોટ ટેસ્ટેડ ઓન એનિમલ્સ ધીસ ઇઝ પેરાબેન ફ્રી એન્ડ ધીસ ઇઝ જીએમપી સર્ટિફાઇડ ઇસકા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ભી ઈધર મેન્શનડે એન્ડ ધેર ઇઝ નો પેરાબેન સો બેસિકલી એક પેન ફોર્મ लिपस्टिक है जिसको कि हमको पुस करके पॉप करके यूज करना पड़ेगा सो आई विल जस्ट ओपन एंड आई विल सो यू देख सकते हो इसका पैकेजिंग इस तरीके का है एंड ये बहुत ही अच्छे से सील्ड होके आया था इसके बाहर एक आउटर शीट था प्लास्टिक रैपिंग था तो जो कि मैंने रिमूव कर लिया है सो so, इधर लिखा है रेने फैब फाइव लिपस्टिक एंड इसका एक्सपायर भी इधर मैंसन है जो कि बहुत ही अच्छी बात है इसका जो कैप है वो इधर इसे ओपन होता है मगर ये बहुत ही ज़्यादा लूज है एंड आप देख सकते हैं थोड़ा मेरा लिपस्टिक रूइन भी हो हो गया है ड्यू टू तो दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग तो ये ही एक ही चीज़ मुझे इस इस लिपस्टिक में अच्छा नहीं लगा सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड आप आपको ये जो लिपस्टिक है बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा नहीं तो इसका जो बुलेट से वो सारे ही ब्रेक हो जाएंगे एंड जल्दी ही खराब हो जाएगा यू नीड टू कैच दिस प्रोडक्ट विद आउटर कैरबोर्ड पैकेजिंग इज वाट आई सजेस्ट तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसे खुलता है सो वी नीड टू पोस्ट दिस लाइक दिस यहाँ से एंड हमारा जो लिपस्टिक है वो इधर ऐसे निकल के बाहर आता है सो यू कैन सी गैस दिस इज द फर्स्ट लिपस्टिक ऐसे फाइव सेट्स हमको इस पैकेजिंग में मिल रहा है नाउ आई विल दिस ओवर तो अभी मैं इसको ऐसे डालूंगी इधर एंड इसको ऐसे पुश करूंगी, देखिए तो ऐसे इसको हमको यूज करना है तो फिर से मैं इसको पुश करूंगी और यहाँ से इसका जो लिपस्टिक है निकालूंगी सो दिस इज द सेकेंड सेट तो इस मेकानिजम में हमको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा नहीं तो इसका टोटली ब्रेक होने का और खराब होने का चांस तो है यहाँ पे स्वाच कर लेती हूँ सो यू कैन सी गाइज इसका पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सिर्फ एक ही स्ट्रोक में कितना अच्छा कलर पिगमेंटेशन हमको मिल रहा है एंड दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट मैट लिपस्टिक आज यू कैन सी ये ज़्यादा साइन नहीं दे रहा है एंड मैट फिनिश भी दे रहा है सो आज यू कैन सी ये सभी जो सेट्स से, हैं ये सभी स्किन टोन्स के ऊपर सभी इंडियन स्किन टोन्स के ऊपर अच्छा लगेगा मैंने लिया है, है. इसका एक new, uh, variant भी आता so, uh, क्योंकि मुझे uh, red अभी बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं सो so, गायस अगर मैं इसकी पिगमेंटेशन की बात करूँ पिगमेंटेशन इज वेरी गुड इसका सिंगल स्ट्रोक एप्लीकेशन है एक ही स्ट्रोक में आपको बहुत ही अच्छा कलर इंटेंसिटी लिप्स के ऊपर मिल जाएगा फिर भी अगर आपका पिगमेंटेड लिप्स हैं बहुत ज़्यादा डार्क लिप्स हैं इन दैट केस आपको टू टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट प्रॉपर कलर पिगमेंटेशन फार्मूला कंसिस्टेंसी या टेक्सचर की बात करें देन दीज आर सॉफ्ट मैट लिपस्टिक्स ये ज़्यादा क्रीमी नहीं है ये लिप्स के ऊपर ज़्यादा ज़्यादा शाइन नहीं देते हैं सो दिस आर नॉट प्रॉपर क्रीमी मैट लिपस्टिक्स क्रीमी मैट लिपस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा शाइन देते हैं लिप्स के ऊपर ये बहुत ही अच्छा मैट फिनिश देते हैं लिप्स के ऊपर यू कैन सी गाइस स्टिल देन दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड नरिशिंग ऑन लिप्स क्योंकि इसमें जोजबा ऑयल है जो कि बहुत ही ज़्यादा लिप्स को नरिश करता है तो मुझे वो चीज़ बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही माइल्ड स्मेल भी है बहुत ही लाइट स्वीट चॉकलेट काइंड ऑफ स्मेल है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड बिल्कुल भी लिप्स के ऊपर नहीं रहता है इमीडिएटली आफ्टर अप्लीकेशन इट टोटली फेड्स अवे तो स्मेल से कुछ भी मुझे इश्यूज़ नहीं लगा इस लिपस्टिक में सो यू कैन सी गाइज ये ट्रांसफर होते हैं मगर फिर भी लिप्स के ऊपर अभी भी इसका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है सो दैट इज अ ग्रेट थिंग दैट आई फाउंड विद दिस लिपस्टिक्स इवन दो दे ट्रांसफर विल नॉट एट ऑल फेड फ्रॉम लिप्स टोटली जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड अगर इसके स्टेइंग पावर की बात करें देन दिस इज गोइंग टू स्टे स्टर लिप्स फॉर अराउंड थ्री टू फोर आवर्स एंड उसके बाद ये थोड़ा फेड आउट हो, हो सकते हैं तो आपको थोड़ा रीअप्लाई करना पड़ सकता है so, ये जो पर्टिकुलर वेरियंट है इसमें जो सारे ही शेड्स हैं दे आर यूनिवर्सल फ्लैटरिंग शेड्स सभी इंडियन स्किन टोन्स के ऊपर बहुत ही अच्छे

Or not. So, I will be back once again with another amazing video for you all. Till then, bye.